नवी मुंबई के एमआईडीसी में 2800 पेड़ों को काटने का बड़ा खुलासा सामने आया है। पर्यावरण सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष बालासाहेब शिंदे ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए पुलिस आयुक्त और एमआईडीसी उच्च अधिकारियों को शिकायत दी और हरियल पेड़ों का कत्लेआम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में एक उड़ान पुल के लिए 350 पेड़ों को काटने की मंजूरी पर मचे बवाल के बीच अब एमआईडीसी क्षेत्र महाफे में 2829 पेड़ों को काटने का बड़ा खुलासा सामने आया है। पर्यावरण सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष बालासाहेब शिंदे ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए नवी मुंबई पुलिस आयुक्त और एमआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी सतीश बागल को शिकायत देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बालासाहेब शिंदे ने बताया कि पेड़ों को काटने की यह करतूत अजवानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की है, जिसे महाफे के ए ब्लॉक, ई ब्लॉक, आर ब्लॉक में सीमेंटीकरण का काम मिला है। शर्तों के मुताबिक हरियल पेड़ों को काटने की बजाय शिफ्ट करना है, लेकिन निर्माण में बाधा बन रहे इन पेड़ों को अजवानी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक ठेकेदार ने परमिशन मिलने से पहले ही कत्लेआम शुरू कर दिया है। बालासाहेब शिंदे ने कहा कि यदि शिकायत पर परमिशन रद्द नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हुई तो मन से स्टाइल में आंदोलन करेंगे। नवी मुंबई एमआईडीसी प्राधिकरण ने यहाँ पे 2800 पेड़ों को काटने का, उनका कत्ल करने का जो प्रायोजन रखा है, अंतर्गत रास्तों के बीच में आने वाले पौधों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो निविदा मंगाई उसको अभी तक 4 दिन बाकी है और उसके पूर्व यहाँ पे ये एमआईडीसी अधिकारी जो है उन्होंने बहुत सारे जगह पे बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिया है, उखाड़ दिया है और हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। हमने पुलिस आयुक्त साहब को नवी मुंबई के निवेदन दिया है, तकरार दी है कि ये जो अधिकारी है इनका तहकीकात किया जाए और इनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल किया जाए। आगे जाके हम पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी को मिलने वाले हैं, पुलिस आयुक्त है, मुख्यमंत्री है, यहाँ के प्राधिकरण के बड़े अधिकारी है, सबको मिलेंगे। यहाँ पे आज तक नवी मुंबई में 400 पेड़ काटने का जो प्राविधान रखा था उसको महानगर पालिका आयुक्त ने स्थगिति दी है। उसी तौर पे यहाँ पे एमआईडीसी ने और राज्य सरकार ने भी इसके खिलाफ में स्थगिति देनी चाहिए, यही हमारा अगला प्राविधान रहेगा और इसको हम स्थगित करके ही रहेंगे। इस मामले में TV1 इंडिया ने एमआईडीसी के रीजनल ऑफिसर सतीश बागल से जब प्रतिक्रिया ली तो उनका सीधा जवाब था कि पेड़ों को काटने की मंजूरी संबंधित इंजीनियर राठौर की है, लेकिन जब हमने इंजीनियर राठौर से जवाब मांगा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पर्यावरण विध्वंस का असली जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी है कि आखिर इस शिकायत पर कार्रवाई कब होगी। कि अजवानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कुछ डेवलपमेंट के लिए वो कुछ 2900 झाड़ों को काट दिया है। अजवानी इंफ्रास्ट्रक्चर ने, वो कॉन्ट्रैक्टर है कोई जो आर ब्लॉक और ई ब्लॉक में कुछ डेवलपमेंट काम मिला है, रोड है और दूसरा कुछ काम करने के लिए, तो उसमें परमिशन से पहले ही 2900 झाड़ काट दिए गए हैं। अच्छा, तो आपको भी शिकायत किया हुआ है, क्या है इसमें मामला? ये वो मेरे पास कॉपी भी आई है, आपके आपके नाम के कंप्लेंट है। ये है, लेकिन वो सब्जेक्ट इंजीनियर का है। अच्छा, और ऑफिस का नहीं है, प्लांटेशन कटिंग परमिशन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।